यार बहरोज साहब की मुझे कॉल आ रही है, वो कोई मुझसे देख रहे हैं। एक सेकंड जी, बहुत सारे कॉल बस जी जी आप बैठ जाओ। नहीं नहीं प्लीज बैठ जी जी बिल्कुल। आपने वो डबल वन लगा दिया ना, वो डिलीट कर वो, वरना कंफ्यूजन ना हो। हाँ बस ठीक। ओके बस लाइव है। ओके खुदा हाफिज़। मैंने कहा कोई चीज नहीं रहेगी, अभी वो गए ना फेरोज साहब, सब ब्रश देंगे मैं बाहर। मैंने कहा कोई ये ना कोई चीज रहेगी तो कॉल। टू मच तो नहीं हो रहा है? नहीं टू मच तो नहीं हो रहा, ब्रश दे दे मुझे। मतलब ये शादी में तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं टू मच हो रहा, उसकी वजह ये कि बाकी इतना वो सटल और वो है ना। एक बस ब्रेक में चाय दे देना भाई। हाँ चाय प्लीज। स्टैंडबाय टू जो सारस की जी, सारस क्या बात इनके जो हेडफोन राइजिंग पाकिस्तान में इस स्पेशल डिशेस में आपको खुशामदीद कहूंगा जो हमें सजाई यहाँ कराची सेंटर में। और आज आपकी मुलाकात में अपनी एक ऐसी दोस्त से करवाने वाला हूँ जिनके साथ मैंने बहुत सा काम किया जब हम दोनों अपना करियर नया नया शुरू कर चुके हुए थे, और शोज पे बैक स्टेज की वो यादें, वो बातें, वो मजाक, बहुत कुछ सीखना और इंजॉय करना इस मीडिया इंडस्ट्री। लेकिन बात हम देखते हैं कि मेरी ये दोस्त जो कि एक वार्डरोब आइकॉन बने, ब्यूटी आइकॉन बने, फैशन आइकॉन बने, और इन्होंने रूल किया मॉर्निंग शोज के पूरे स्पेक्ट्रम को, और फिर पर्सनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स, और फिर इनकी जिंदगी एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। मतलब ये भी एक शोहरत का एक जो डाउन साइड कह लें या चैलेंज है, वो मेरी इस प्यारी सी दोस्त शाइस्ता ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपको? इतना अच्छा लग रहा है, जब मुझे पता चला कि राज्य पाकिस्तान में आना है तो मुझे नहीं था मुझे बहुत पता लग जा रही है। थैंक यू शाइस्ता, गुड टाइम्स है ना पुराने। हाँ पुराने टाइम्स, हम अभी फादर साहब को याद कर रहे थे, और वो मैं कह रही थी कि तलफ्फुज़ की प्रति कराना, हाँ, और ऐसे बोलना है ऐसे नहीं बोलना, ये डिलीवर ऐसे करना है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी है, और क्या क्या। अच्छा उस वक्त हमें अंदाजा भी नहीं होना होता था कि हम कितना लर्न कर रहे हैं, हम तो बस उसी हिसाब से कर रहे होते थे। हम उनसे देखते हैं ये पूरा टीवी के जो शोज और सफरें थे, लर्निंग पूरी बहुत बड़ा पर्सनैलिटी बिल्डअप थे बिल्कुल। और आज मेरा कहना बहुत सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है ना, तो लोग कहते हैं कैसे।